Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today I am making a very beautiful frock of organza for the age of 3 to 4 years old girls. Friends, you need organza fabric for that frock jiski length almost hogi aapke paas iski 45 hai aur back side pe bhi 45 hai, total is 90. There are two pieces of fabric. I need 2.5 meters fabric of organza जिसकी लेंथ और विड्थ मैंने नीचे आपको मेजर कर दी है. 90 फुल मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने दो कपड़े रखे हुए हैं तो दोनों की लेंथ मिला के 90 बन जाती है और विड्थ अगर हम देखें तो दो पीस की जो विड्थ है वो तकरीबन 20-20 बन जाएगी. इसी तरह स्लिप का कपड़ा है, दिस इज़ अ फैब्रिक फॉर स्लिप एंड द स्लिप शुड ऑलवेज बी स्मॉलर दैन द मेन फ्रॉक, सो आई एम टेकिंग अ बिट लिटल लेंथ फॉर अ स्लिप. विथ जो है वो सेम होगी, द विथ शुड बी सेम, जबकि जो दूसरा फैब्रिक होगा वो 50 होगा. ठीक है, मैंने थोड़ी छोटी लेनी है. सो बोथ पीसेज आर रेडी. स्लिप के लिए आपको तकरीबन 1.5 मीटर चाहिए. अब ये मैं बना रही हूँ शर्ट, जो अपर बॉडी बनानी है उसके लिए मुझे जो कपड़ा चाहिए, लेंथ एंड विड्थ आर मेजर्ड आर रिटन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द सब टाइटल्स. लेंथ और विड्थ अच्छे से मेजर कर लें, ठीक है, जितनी भी लेंथ बनेगी विड्थ बनेगी. इसके लिए भी आपको स्लिप भी का कपड़ा चाहिए और ऑर्गेन्जा का भी कपड़ा चाहिए, दोनों की विड्थ और जो लेंथ है वो दोनों आप सेम रखेंगे. नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू कट इट. फर्स्ट यू नीड टू मेक अ वेरी फाइन शार्प एंड्स. नाउ जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस. यू कैन मेजर इट विद द किड्स क्लॉथ. How to cut the neck and sleeves. I'm using inchi tape for measuring, like 3 inches from this side and 3 inches from the other side. Now leave at least 4 inches and mark the, these are almost 7 inches, and here I'm going to mark sleeve area. Now I'm cutting it. आप अपने बच्चे के कपड़े के साथ भी मेजर कर सकते हैं. ये जो कपड़ा है फैब्रिक का, दिस इज फॉर मेकिंग फ्लावर. द टोटल लेंथ ऑफ द होल लॉन्ग फैब्रिक इज एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अबाउट लॉन्ग स्ट्रिप्स, इट्स 50 एंड विड्थ इज 3 inches. Now these are three pieces of organza fabric. What I'm going to do is to make the layers, to make the petals, actually a long petals or leaves, you can say leaves. ठीक है, इसके मैं leaves बनाऊंगी long. ठीक है, मुझे तकरीबन तीन pieces चाहिए जिनकी width और length मैं आपको बता देती हूँ. नीचे लिखी हुई है 20 inches इसकी width होगी. Now what I'm going to do is to fold it like this, one fold. Now the second fold. Now fold it like this and mark the shape of the leaf or a flower petal. Just like I'm doing, आपने यहाँ से mark कर लेना, इसको हम petals या leaves बनाएंगे. Now cut it, you will get at least 6 leaves. I'm only using these leaves on the front side. Now friends, what I'm gonna do is I'm going to make a frock like this. ठीक है, इस तरह आपने, इस तरह इनको दोनों को फोल्ड करके आपने जो नीचे वाली इसकी जो नीचे घेरा होगा उस पर आपने ऐसे लगा देने हैं और फिर आपने स्लिप लगानी है. अब फ्रेंड्स, हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं. नाउ
फ्रेंड्स आपका जो ये देखिए मैंने पीको करवा ली है, ठीक है, मैंने लाइट कलर की पीको करवा ली है, येलो कलर की पीको करवाई है जो कि थोड़ी प्रोमिनेंट लगे। तो आपने ये जो लीव्स काटे हैं इनको आपने फुल पीको करानी है, ठीक है, ऊपर से लेकर ये पूरा जो है वो राउंड। मैंने पहले हाफ करवाई थी जो अभी आपको वीडियो में नज़र आ रही है, लेकिन आपने इसको फुल करवाना है रिमेंबर, क्योंकि ये जो है इसी से आपकी जो फ्रॉक है उसको एक लुक मिलेगी फ्लावर की। तो अब आपने इसको लगाना कैसे है, आपका जो फ्रंट एरिया था जो आपने घेरा बनाने के लिए आपने टू पीस लिए थे, वन पीस इज ऑफ द लेंथ ऑफ 45 एंड द अदर इज़ ऑल्सो 45, द फ्रंट 45 लेंथ एरिया जो है वो जो कपड़ा है उसके ऊपर आपने इसको जो लीव्स हैं इनको इस तरह रख के और आपने उनको स्टिच कर लेना है। मैं आपको बहुत आराम से इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया हो, और जो पीको है आप देख सकते हैं कि अब ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। इसी तरह जो आपने फ्लावर की स्ट्रिप ली हुई है उस पर भी आपने येलो पीको करवा लेनी है, ठीक है। ऐसा कलर सेलेक्ट कीजिएगा आप, जिस तरह अगर मैं ग्रीन बना रही हूँ तो आप किसी और कलर की बनाते हैं, तो आपने कलर ऐसा सेलेक्ट करना है कि पीको जो है वो लीव्स पे नज़र आए, तो उससे वो ज़्यादा उठ के आएगा। और पूरा लीव आपने उसकी पीको करानी है, मोटी वाली पीको करानी है, ठीक है, जिस तरह ये मैंने कराई है, एप्लिक टाइप करवा सकते हैं आप। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो चुका है इसका फ्रंट। अब हम शर्ट पे आ जाते हैं। पहले तो आप स्लिप एंड शर्ट दोनों को आपस में स्टिच कर लें, जस्ट स्टिच बोथ ऑफ देम टू मेक द अपर बॉडी ऑफ द फ्रॉक, एंड देन वी आर गोइंग टू अटैच दिस विद द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रॉक, एंड नाउ इट्स रेडी। इसको मैं अब सीधा कर लेती हूँ इस तरह। इसी तरह आपने दूसरा वाला एरिया भी उसमें कर लेना है। अब मैं इसको रख के इस तरह, और मैंने इसको इसके साथ स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं आपने दूसरा हिस्सा भी इसी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। शमीज़ जो है वो जो स्लिप है वो हम एंड में लगा लेंगे। नाउ फ्रेंड्स आई एम डूइंग इट डूइंग द सेम विद द सेकंड फ्रॉम द बैक पार्ट ऑफ द फ्रॉक। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू स्टिच ऑल द फ्रॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर्स। Friends, you can see that how to stitch the slip with that thing. अब आपने जो स्लिप है जो शमीज का कपड़ा है वो मैंने साइडों से जो है वो बंद कर लिया है, और इसके ऊपर आपने रख के बिल्कुल सीधा सीधा आपने इसको स्टिच कर लेना है ऑल अराउंड द फ्रॉक। आप
देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बैक से दिखा दी है मैंने आपको, फ्रंट से दिखा दी। इसकी जो पीको है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बाद में फिर इसको मैं आके आपको पिक्चर दिखाती हूँ, पूरी पीको हो गई है इसकी। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर लगाऊंगी, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो स्ट्रिप हमने काटी थी जिसकी विड्थ और लेंथ आप सेम लीजिएगा, इसके ऊपर भी देखिए मैंने फोर साइड्स पे पीको करवाई है। और अब मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आपका जो फ्लावर है वो रेडी हो चुका है। अब आपने ग्लू गन से लगाते हैं, आप किसी भी चीज़ से लगाते हैं, इसको आपने फ्रॉक के ऊपर लगा देना है। अब आप देखिए कि द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर इज विद द पीको, सो द कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कलर ऑफ द फैब्रिक। एज यू कैन सी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इसी तरह नीचे जिस तरह की हुई भी है, पीको हुई भी, इस तरह आप ऊपर फ्लावर पर भी पीको कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी फ्रॉक हो चुकी है रेडी। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये देखिए इसकी फुल मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुदा हाफिज़।